सितंबर अक्टूबर में ये कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी कटिंग आप लगाएंगे एकदम अच्छे से, तो ये आपके गार्डन में सालों साल चलेंगे और काफ़ी खूबसूरत ये प्लांट होते हैं, तो इन्हें आप ज़रूर कटिंग से अपने गार्डन में ग्रो करें। तो देखिए, पहले नंबर पे काफ़ी खूबसूरत प्लांट ये हिबिस्कस का होता है। गुड़हल को आप सितंबर अक्टूबर में कटिंग से लगाएंगे तो ये एकदम अच्छे से चलेगा। विंटर में भी इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है, गुड़हल में भी जो हाइब्रिड वाला गुड़हल आता है, तो आप इसे भी कटिंग से एकदम अच्छे से ग्रो कर लीजिए। और दूसरे नंबर पे देखिए, विंटर का भी सबसे अच्छा और परमानेंट रहने वाला ये कोलियस है। ये काफ़ी खूबसूरत प्लांट होता है कोलियस का, आप इस समय इसे भी एकदम अच्छे से कटिंग से लगा सकते हैं। कोलियस को आप इसे कटिंग से लगा लेंगे तो विंटर में आपके पूरे गार्डन में ये एकदम अच्छे से भर जाएगा और देखने में काफ़ी एकदम अच्छा लगेगा, तो आपके गार्डन में लोग ज़्यादा आएंगे, अट्रैक्ट होंगे। और तीसरे नंबर पे ये देखिए, काफ़ी खूबसूरत ये भीनी भीनी इसमें खुशबू रहती है इस प्लांट में, ये मधुकामनी का है। मधुकामनी को भी आप इस समय एकदम अच्छे से कटिंग से लगा सकते हैं। कटिंग से लगाएंगे तो ये आपके गार्डन में खूब अच्छे से हो जाएगा। और ये देखिए, काफ़ी खूबसूरत प्लांट होता है ये पेंसिल कैक्टस का है। पेंसिल कैक्टस को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं इजीली इस समय। अगर इस समय लगाएंगे तो एकदम अच्छे से ये आपके गार्डन में हो जाएगा। और ये देखिए, आपको इस तरीके की छोटी सी छोटी इसकी कटिंग कहीं से भी मिले, आपके आजू बाजू हो कहीं पे भी, तो वहीं से आप इसकी कटिंग ले आइए और कटिंग से लगा लीजिए, काफ़ी अच्छा एकदम आपके गार्डन में हो जाएगा। क्रोटोन को तो आप जानते ही हैं, कटिंग से लगाना काफ़ी अच्छा रहता है। क्रोटोन काफ़ी खूबसूरत प्लांट होता है, तो आप इसे भी इस समय कटिंग से लगा लीजिए। मैं काफ़ी सारे अपने प्लांट्स के देखिए ऊपर की ब्रांचेस को काट के कटिंग से लगा लिया हूँ, तो अब यहाँ से न्यू फिर से स्टार्ट हो जाएगी इसकी ग्रोथ, तो आप इसे भी इस समय एकदम अच्छे से कटिंग से ग्रो कर लीजिए, काफ़ी एकदम अच्छे से आपके गार्डन में भर जाएगा ये प्लांट और देखने में काफ़ी अच्छा तो लगता ही है। इसी तरीके से आप इन सारे प्लांट्स को एकदम अच्छे से कटिंग से लगा लीजिए। ये देखिए, ये अडेनियम है, अडेनियम को भी आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। अडेनियम का बहुत अच्छा समय ये कटिंग से लगाने का। आप इस समय अडेनियम को कटिंग से लगाएंगे तो आगे चल के आपको खूब अच्छे से इसमें फ्लावरिंग भी मिलेगी और खूब अच्छे से आपके गार्डन में हो भी जाएगा। सदाबहार यानी विंका, ये देखिए जो हाइब्रिड वाला विंका आता है, ये विंटर में भी खूब अच्छी इसमें ब्लूमिंग होती है, तो आप इस समय इसे भी कटिंग से लगा सकते हैं काफ़ी अच्छे से, ये भी आपके गार्डन में हो जाएगा। और ये देखिए, जेड प्लांट है, जेड प्लांट को भी आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छे से ये आपके गार्डन में हो जाएगा। सितंबर अक्टूबर में ये प्लांट जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, अगर आप कटिंग से लगाएंगे काफ़ी अच्छे से आपके गार्डन में ये सारे प्लांट हो जाएंगे। आई होप आपको सारे प्लांट पसंद आए होंगे।